और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि मार्केट डेली व्यू में वो मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिम स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे कल की वीकली एक्सपायरी भी होगा तो वीकली एक्सपायरी क्या होगी ये भी हम लोग देखेंगे, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, डेली व्यू वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देखकर टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से, 326 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी जो है कि यहाँ पे 948 पॉइंट पॉजिटिव है। जैसे कि हमने मार्केट में क्या सोचा था और मार्केट कैसे चल रहा है ये भी देखेंगे। तो जैसे कि नॉर्मली मुझे ऐसे कहा जाता है कि आप अपना व्यू बताओ, तो मार्केट का व्यू और मेरा व्यू बराबर ही होता है क्योंकि मैं मार्केट रीड कर रहा हूँ और व्यू से ज्यादा मैं लेवल के ऊपर बिलीव करता हूँ ऑलवेज। तो लेवल कैसे चलती है वो देखना, जैसे कि अभी नजदीक वाला रेजिस्टेंस था यहाँ वाला, तो ये देखिए कि ये ब्रेकआउट हुआ और ये हाई भी ब्रेक हुआ। जैसे कि मैंने कहा था कि ये लो रहा है, ओके, जैसे कि ये लो और ये लोअर लो है, एक बार लो पे ब्रेक करने के बाद हमको यहाँ पे मार्केट ने फंसा दिया था, लेकिन ये क्यों फंसा दिया था ये भी सोचना है। मार्केट कोई भी ब्रेकआउट करता है तो उसके नीचे 2 दिन उसको होल्ड करना चाहिए, ओके। तो ऐसे अभी यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया है तो एक कंफर्मेशन हमको मिलेगा, कल का भी कैंडल अगर पॉजिटिव यहाँ पे क्लोज होता है या फिर यहाँ से रिवर्स होगा तो फिर से लेवल से नीचे आ सकता है। हाँ, बट ये जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है जो नजदीक वाला, अगर ये सस्टेन होता है तो मार्केट ऊपर और 15,431 ए लेवल को भी छुएगा और इससे भी ऊपर ब्रेकआउट करके जा सकता है। तो ऊपर वाले लेवल भी मैंने निकाले जो कि मेरे फिबोनाची लेवल से आए थे, 61,000 का, सॉरी 61 पॉइंट का जो लेवल है, 15,700 का जो लेवल है वो भी आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह एनालिसिस करेंगे, तो मैं जैसे ऑलवेज बोलता हूँ कि एनालिसिस के ऊपर अपने भरोसा रखो। तो जब हम लोग इंट्राडे करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम लोग डेली चार्ट देखते हैं तो ये हम लोग इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। मैंने स्विंग लो से स्विंग हाई में एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया था और यहाँ से 50% से रिवर्स हुआ, जो रिवर्सल कैंडल लो रेड नहीं, कंफर्मेशन देने के लिए ग्रीन होना चाहिए और अभी जो है कि नियर हाई भी उसने ब्रेक किया है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है कि ब्रेकआउट हुआ है। कल मैंने जैसे कहा था कि जो कि कल का कैंडल था उसके ऊपर जब भी जाएगा तो ये 23.60% का जो लेवल है, 14,998 यानी कि लगभग 15,000, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा जाएगा। तो अब इंट्राडे में भी देख सकते हो कि ये लेवल कितना मेरा सटीक चला है। उसके पहले हम लोग कल के लिए भी कुछ लेवल देखेंगे, तो कल के लिए जो लेवल होगा ये जो है यहाँ पे देखिए कि 15,280 के ऊपर एक अच्छा एक मूवमेंट मिलेगा, कल शायद 15,431 का भी लेवल यहाँ पे आ सकता है जो कि ऑल टाइम हाई था, और ऊपर वाले भी लेवल फिर हम लोग देखेंगे। अगर देखो कि अगर मार्केट यहाँ पे जो कि ये लेवल ब्रेक करके गया कौन सा 15,174, अगर इसके नीचे क्लोज होता है यानी कि ये लेवल के ऊपर अगर क्लोज नहीं होता है और ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है तो थोड़ा नीचे आने का संभावना हो सकता है और जो ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो मार्केट को कल 15,174 के ऊपर ही रहना चाहिए और एक पॉजिटिव कैंडल देना चाहिए, तो ये जो ब्रेकआउट है ये कंफर्मेशन हो सकता है। हम लोग इंट्राडे में भी लेवल देखेंगे, फिर देखेंगे कल के एक्सपायरी के लिए ऑप्शन चेन में कौन से लेवल्स हैं। तो इंट्राडे के लेवल देखने के लिए हम लोग देखेंगे 5 मिनट का चार्ट, यहाँ पे देखिए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जो मैं कल आपको ये दे रहा था लेवल दे रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको स्पेशली कहा था कि ये जो है 23% का जो लेवल है मेरा फिबोनाची का, यहाँ पे देखो कैसे प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट ऊपर ओपन हुआ लेकिन यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद ऊपर गया और हायर लो हायर हाई बना के गया, कोई भी लो ब्रेक नहीं किया यहाँ पे मार्केट ने। तो यहाँ पे देखो कि जो लोग बोलते हैं कि अपना प्रेडिक्शन बताओ, तो जो मैं मार्केट रीड करता हूँ वही मेरा प्रेडिक्शन है और मेरा व्यू भी वही रहता है, कोई भी नहीं बता सकता कि कल मार्केट कहाँ पे जा सकता है। मार्केट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ओपन होने के बाद आपके लेवल कौन से वर्क होते हैं वो फंटेस्टिक होता है, जहाँ पे आपने यहाँ पे लेवल जो है कि बहुत फंटेस्टिकली वर्क हो रहे हैं, हमको उतना ही चाहिए। ये नहीं चाहिए कि कल मैं कहूँगा कि आपको कल भी मार्केट ऊपर आएगा और ऊपर जाएगा, तो ये जैसे कि हम लोग लॉटरी लगाने जैसे होता है,
तो आपको एक लेवल पे करना है या फिर कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। जैसे मैंने कहा था कि दो दिन ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो एक कंफर्मेशन दे देगा जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके ऊपर, तो हम लोग और ऊपर वाले लेवल देखेंगे। वैसे यहाँ पे लेवल भी मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे कि कल का एक्सपायरी रहेगा वो कौन सा लेवल में हो सकता है। तो दोस्तों, ये चार्ट मार्क का एक्सपायरी जो है उसका ये ऑप्शन चेन है निफ्टी का। हम लोग जो है कि कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट साइड में सपोर्ट देखेंगे। ये ऑप्शन चेन हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक व्यू बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि ये ऑप्शन चेन के 100% मार्केट चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर पहले नजदीक वाले रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर कॉल में, फिर दूर वाले, तो नजदीक वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो बन के आ रहा है वो है 15,300। तो 15,300 एक यहाँ पे कल रेजिस्टेंस रहेगा जो कि एक नजदीक वाला है। यहाँ पे कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों भी यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद अगर मैं एक कहूँ तो नेक्स्ट जो आ रहा है ए लेवल जो, वो कि 15,500, एक 15,500 एक राउंड फिगर भी है। और सबसे ज़्यादा वही पे जो कि कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो कि 15,300 से कम है, बट कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा है। हम लोग सपोर्ट में देखेंगे, तो सपोर्ट में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो लेवल आ रहा है 15,100 का जो लेवल है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्लस कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा बन हुए हैं। तो यहाँ पे रेंज देखिए कि बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए कि मार्केट का वॉलेटिलिटी अभी बड़ा है, तो जो कि एक्सपायरी का रेंज भी बड़ा हो सकता है। ये रेंज के बीच में ही मार्केट क्लोज होना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रेंज बहुत छोटा होता है और यहाँ पे देखिए कि रेंज बड़ा है, तो डिपेंड कि मार्केट कैसे चल रहा है उसके ऊपर है। ये रेंज ब्रेक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। एक हमको जैसे कि एक गेसिंग करना है मार्केट कहाँ तब कौन से लेवल में क्लोज होगा, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी जो है कि ये जो सिग्निफिकेंट कैंडल था उसके ऊपर क्लोज दिया है, एक पॉजिटिव नेस है। लेकिन जो नजदीक वाला जो हाई है ब्लैंक निफ्टी ने, अभी तक ये या इसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दिया है। अगर हम लोग ऐसे यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं जो कि अपसाइड ब्रेक होने वाला है, और जो कि निफ्टी में हुआ है लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक हुआ नहीं है, तो ये एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करना पड़ेगा या फिर इसका हाई। नजदीक वाला अभी रेजिस्टेंस है 36527, ये भी यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा था कल भी कि ये मुझे अभी तक भी साइडवेज हो रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो आ जाए कि यहाँ पे जो गैप था वो गैप फिल किया है। समटाइम गैप एक रेजिस्टेंस भी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी में केयरफुली देखना पड़ेगा। बट अगर बैंक निफ्टी 36572 के ऊपर क्लोज होता है तो अच्छा एक मूव दे सकता है और ऊपर का जो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता है और नियर हाई भी यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। और बैंक निफ्टी का ये पूरा इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो कि डाउन साइड का जो सपोर्ट है 32842 यहाँ पे है वो बहुत ही दूर है। लेकिन अगर अब नया जो लो बना था नजदीक वाला लो 34942 ये जो लेवल है, ये अभी इसका एक सपोर्ट नजदीक वाला हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी तक एक कंफर्मेशन नहीं दिया कि अप ट्रेंड का, बट पॉजिटिव है और अच्छा मोमेंटम कर रहा है। इंट्राडे में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल रहेंगे कल हमको ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऑलवेज मेरे ज़्यादा लेवल होते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक लेवल मैंने 15 मिनट्स का निकला था बरोबर यहाँ पे मार्केट ने वहाँ से रिवर्व किया था, तो 36457 जो ये लेवल है मेरा 15 मिनट्स का, ये बहुत ही अच्छा लेवल है। आज मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस किया था, ये ब्रेक होता है तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट 36572 ये डेली का लेवल है, तो ये डिफरेंस तक जाएगा और ऊपर वाला डेली का लेवल है तो यहाँ पे ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा। सेलिंग के लिए भी 5 मिनट्स का जो लेवल है 36242 के नीचे यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। हमने कल कुछ स्टॉक दिए थे तो उनके बारे में देखते हैं। टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो स्टॉक थी इंट्राडे में, ये टाटा मोटर्स अच्छी तरह वर्क हो गया। एच यू एल देखिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि इंट्राडे में आपको ट्रेड कैसा करना चाहिए, तो जब भी पहले ऊपर ओपन होता है तभी नहीं बाय करना चाहिए। यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे रिट्रेस भी किया और एक अच्छा मूव भी दिया उसने, तो यहाँ पे इस तरह आपको ये 5 मिनट में आपको मैं बता रहा हूँ। देन ग्रासिम,
ग्रासिम देखिए बहुत अच्छा गया यहाँ पे। जो जैसे मैं कहता हूँ कि स्टॉक सस्टेन होना चाहिए, रिटेस होना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है, एक बार ये लेवल से जाने के बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद जब ये यहाँ पे यहाँ से रिकवर हो रहा है तभी आप बाय कर सकते हो। टॉप लॉस नजदीक वाला जो लो बनता है, अभी ये टॉप लॉस नहीं होगा, ये नजदीक वाला लो जो बनता है वो टॉप लॉस होता है। यहाँ पे आपका एक टारगेट हो गया। नेक्स्ट जो है कि भारती एयरटेल, भारती एयरटेल में भी मैंने आपको कहा था, और यहाँ पे भी जैसे कि ओपन ऊपर हो गया, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है तभी ये पहला टारगेट दिया। भारती एयरटेल में मैंने कहा था कि 549 जो लेवल है यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जाने का मुझे चांस कम लग रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का मुझे चांस अच्छा लग रहा था। ठीक है, कल भी ये लेवल आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिन स्टॉक के बारे में कल हम बाय या सेल कर सकते हैं, तो रिलायंस में देखिए कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, साथ ही साथ निफ्टी को भी ऊपर लेके गया, तो ये अच्छा ब्रेकआउट है। और यहाँ पे रिलायंस अगर कल मोमेंटम करता है तो आज का हाई के ऊपर 2219 के ऊपर अगर जाता है तो बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम मिल सकता है। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा उसका वो हो सकता है 2290, तो कल आप रिलायंस को देख सकते हो, उसमें मोमेंटम आ रहा है तो कंटिन्यू भी रहता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है यूपीएल, तो यूपीएल में देखें कि एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे और उसको हाई ऑफ द डे क्लोज हुआ है। कल 616 के ऊपर देख सकते हो, 634 तक का टारगेट आ सकता है। इंफोसिस में देखें कि ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है और अच्छा मोमेंटम कर रहा है, कल हम लोग उसको 1347 के ऊपर बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आएगा 1361 का, पहला टारगेट आएगा। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा उसका हो सकता है 1386 का हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो देखेंगे हम लोग सन फार्मा, तो यहाँ पे देखेंगे सन फार्मा में भी एक छोटा सा एक नजदीक वाला हाई को ब्रेक किया है इसने, और जो कि हायर है हायर लो यहाँ पे बना रहा है, तो नेक्स्ट मूवमेंट इसका अच्छा हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 626 के ऊपर इसको बाय करने के लिए। नेक्स्ट जो टारगेट उसका आ सकता है लगभग वो आएगा 637 का आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि एसआरएफ, एसआरएफ में देखिए कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बहुत आसार दिख रहे हैं, बिल्कुल ये लेवल पे आके आज क्लोज हुआ था, तो कल अगर एसआरएफ ये जो है आज का हाई 5737 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट टारगेट हम देखेंगे उसका 5845 तक ये जा सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आज कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। अगर इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों ऐसे आपको टेक्निकल मेरे साथ सीखना है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन सीख सकते हैं, और दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है stockgurudeepak.in, वहां जाके हमारे कोर्स के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। आने वाले 22 तारीख को हमारा जो कि ऑनलाइन टेक्निकल का कोर्स भी शुरू हो रहा है, उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।